और चारों में मैंने ए और बी का 50-50 कंसेंट्रेशन मिक्स कर दिया, 50 ए 50 बी, तो ए और बी का जो मिक्सचर हो बीच में होगा सबके, अब इसके बाद क्या क्या लगता है, बाइनरी मिक्सचर है, ए और बी का मिक्सचर है, एंड पॉइंट्स प्योर कंपोनेंट्स है, 50-50 मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करके छोड़ दिया, अब क्या होगा चारों डायग्राम्स में, चारों केसेस में, बताओ कैसे कैसे होगा चारों में, सेपरेशन नहीं होगी, मतलब ऐसे रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहां पे, थोड़ी सी होगी, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, आखिरी तक आ जाएगा, तो अपने अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब ये इसमें जो ए है वो अपने आप ए में आ जाएगा, बी अपने आप बी में आ जाएगा, मतलब पूरा नहीं आएगा, बीच में आगे रुक जाएगा कहीं पे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इन चारों में, कंप्लीट मिसिबिलिटी मींस ये जो मिक्सचर है ए और बी का, दिस इज होमोजेनियस, एंड होमोजेनियस मिक्सचर डज नॉट सेपरेट ऑन इट्स ओन, सेपरेट तो हो सकता है अगर हम चाहे तो, बट अगर हमने रख दिया अपने आप नहीं होगा, तो यहां पर हम बातें कर रहे हैं अपने आप होने की, ऑन इट्स ओन, so complete miscible mixture does not separate on its own and completely immiscible mixture separates 100% on its own, ठीक है, तो यहाँ पे separation होगी पूरी, जितना A है वो सारा वापस आ जाएगा, जितना B है वो भी सारा वापस चला जाएगा, 100% separation, पार्शियल मिसिबिलिटी, जैसे पार्शियल लिक्विड था तो मतलब लिक्विड ज्यादा है ना, पार्शियल मिसिबिलिटी मींस मिसिबिलिटी ज्यादा, और जहां मिसिबिलिटी है वहां सेपरेशन कम है, लाइक यहां पे क्या था 100% मिसिबिलिटी, 100% मिसिबिलिटी मींस 0% सेपरेशन है ना, सो पार्शियल मिसिबिलिटी, मिसिबिलिटी ज्यादा है, If miscibility is more, separation is less. Separation तो होगी, but कम. Partial immiscibility है ना, जैसे partial vapor था, vapor ज़्यादा है. Partial immiscibility, immiscibility ज़्यादा है. Likeness कम है, but immiscibility ज़्यादा है. That means separation तो होगी, but ज़्यादा होगी. बट 100% नहीं होगी, बिकॉज कुछ मिसिबिलिटी भी है, सो कंपेयर टू दिस केस, उस केस में सेपरेशन विल बी मोर, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मिसिबल एंड इमिसिबल, सब तुम शायद इन ऐसे वर्ड्स को रिलेट कर पा रहे होगे, अब मिसिबल इमिसिबल, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल है ना, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, So, ये इनका मतलब होता है, कोई डाउट इन चारों में, अगेन रिलेट कर रहा हूं मैं डिस्टिलेशन से ही, पार्शियल लिक्विड मतलब लिक्विड ज्यादा, पार्शियल वेपर मतलब वेपर ज्यादा,
पार्शियल मिसिबल मतलब मिसिबिलिटी इज मोर, पार्शियल इमिसिबल मतलब इमिसिबिलिटी इज मोर. इमिसिबिलिटी इंक्रीजेस, सेपरेशन इंक्रीजेस, मिसिबिलिटी इंक्रीजेस, सेपरेशन डिक्रीजेस. ठीक है, तो जहां लाइकनेस है वहां सेपरेशन नहीं है, है ना, जहां सेपरेशन है वहां लाइकनेस नहीं है. सिंपल सिंपल फंडा. बट हमें क्या करना है मास ट्रांसफर में, सेपरेशन. तो लाइकनेस चाहिए क्या? नहीं, लाइकनेस नहीं चाहिए वहां पे. तो अगर मुझे सेपरेट करनी है चीजें तो लाइकनेस को कम करना पड़ेगा, तब जाके सेपरेट होती है. एनी डाउट इन दिस फोर? इजी? इन सब के क्या मीनिंग है? हर जगह एबीसी है. फर्स्ट डायग्राम का क्या मीनिंग है? कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर. फर्स्ट डायग्राम का ही मीनिंग है, मतलब इस डायग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, एट एवरी पॉइंट इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑन इट्स ओन. ये बोलना चाह रहे हो? यही आंसर है इसका. फर्स्ट डायग्राम का यही आंसर है कि ए बी सी हर प्रोपोर्शन में कंप्लीटली मिसिबल है, एंड जहां कंप्लीट मिसिबिलिटी है वहां कोई सेपरेशन नहीं है. इसलिए यहां पे आपको कोई कर्व नहीं दिख रही, कोई भी कर्व नहीं है. देखो से जितनी मैंने कर्व्स बनाई है ना, ये सारी की सारी इक्विलिब्रियम कर्व्स है. और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम अचीवेबल सेपरेशन. तो जहां इक्विलिब्रियम है वहां मिसिबिलिटी नहीं है, जहां मिसिबिलिटी है वहां इक्विलिब्रियम नहीं है. बिकॉज मिसिबिलिटी एंड सेपरेशन आर अपोजिट. मिसिबिलिटी होगी तो सेपरेशन नहीं होगी, सेपरेशन होगी तो मिसिबिलिटी नहीं होगी. तो यहां पे कोई सेपरेशन नहीं दिख रही तुम्हें, इसलिए ये कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर्स है. एवरी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल शोज ए कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर. मींस इफ यू लीव इट देन इट विल नॉट सेपरेट ऑन इट्स ओन. ये सेपरेट नहीं होगा. इसका क्या मीनिंग है? व्हाट अबाउट ए एंड बी? रिमेंबर अगेन, ये सब डायग्राम्स इक्विलिब्रियम डायग्राम्स है. इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम अचीवेबल सेपरेशन. जहां सेपरेशन है वहां मिसिबिलिटी नहीं है, जहां सेपरेशन नहीं है वहां मिसिबिलिटी है. सो ये इक्विलिब्रियम क्या ए और बी को टच कर रहा है? नहीं, ए और बी कंप्लीटली मिसिबल है.
तभी इक्विलिब्रियम से दूर है ना, इक्विलिब्रियम के आसपास क्यों नहीं है, कंप्लीटली मिसिबल है ना। बी एंड सी कंप्लीटली मिसिबल, बट व्हाट अबाउट ए एंड सी पार्शियली। अब यहां पे देखना पड़ेगा मिसिबल है मिसिबल है कुछ भी बोलो अगेन, बट पार्शियल है ना। एनी पॉइंट इनसाइड दिस रीजन सेपरेट हो सकता है, इक्विलिब्रियम के अंदर है तो सेपरेट हो सकता है। एनी पॉइंट आउटसाइड कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसमें क्या मतलब है, व्हाट अबाउट ए एंड बी पार्शियली, डर क्यों रहे यार, मिसिबल। व्हाट अबाउट ए एंड सी, व्हाट अबाउट बी एंड सी, कंप्लीटली मिसिबल। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, कंप्लीटली होमोजेनियस। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, कंप्लीटली होमोजेनियस। व्हाट अबाउट द मिडल पोर्शन, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। व्हाट अबाउट ए एंड सी, कंप्लीटली मिसिबल। बी एंड सी, ए एंड बी, एनी पॉइंट आउटसाइड इनसाइड, है ना, इजी है ना, बहुत इजी है। ए एंड सी कंप्लीटली मिसिबल, ए एंड बी, बी एंड सी ऑलमोस्ट मिसिबल, ऑलमोस्ट मिसिबल, बट देयर इज सम कंसेंट्रेशन दैट विल बी ए पॉइंट ओनली। मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का मिक्स करोगे तो 100% मिसिबल नहीं है, बट अदरवाइज ये जो लाइन है 100% मिसिबल है। ओके, बट ए एंड बी इज पार्शियली मिसिबल एंड द रीजन आउटसाइड होमोजेनियस, इनसाइड सेपरेशन कैन टेक्स प्लेस। ए एंड सी कंप्लीटली मिसिबल, ए एंड बी, बी एंड सी, this portion separation, this portion homogeneous, A and C almost completely miscible, B and C almost completely miscible, A and B partially immiscible, थोड़ा ज़्यादा क्या है partially immiscible, this area, this one, that one, very easy. Extraction is very easy because there is just one funda, solubility, and solubility is very easy to understand. So any shape is given to you, now you can understand what this tells. क्या बताती है हमें? कौन miscible है, कौन immiscible है, कौन completely miscible है, कौन completely miscible है, कहाँ separation होगी, कहाँ नहीं होगी, we can determine everything. Can be separated. Homogeneous, homogeneous. Cannot be separated. ये पूरा homogeneous है। नहीं जरूरी नहीं है। नहीं है तो क्या करें? मतलब इसके अंदर कोई भी अगर portion है, एक ही बना रखा है, अंदर की तरफ होगा, तो ये वाला portion होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये point होगे, जिनके separation possible है, कि whole section में ही जो कम गैप है वो मिसिबल, जो ज्यादा गैप है वो इमिसिबल। वही तो बता रहा हूं, जो ज्यादा गैप है वो पार्शियली इमिसिबल, जो कम गैप है वो पार्शियली मिसिबल।
एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आंसर्स को, आप देख लेना, आप भी वही सोच रहे हो क्या? ऑल द थ्री मिक्सचर्स आर कंप्लीटली मिसिबल एंड द टर्नरी मिक्सचर इज ऑल्सो कंप्लीटली मिसिबल. ए एंड बी कंप्लीटली मिसिबल, बी एंड सी कंप्लीटली मिसिबल, ए एंड सी पार्शियली मिसिबल, एनी पॉइंट इन साइड कैन बी सेपरेटेड, एनी पॉइंट आउट साइड कैन नॉट बी सेपरेटेड. ए एंड सी पार्शियली मिसिबल, ए एंड बी पार्शियली मिसिबल, बी एंड सी कंप्लीटली मिसिबल, any point inside can be separated, any point outside cannot be separated. A and C completely miscible, B and C completely miscible, A and B partially miscible, any point outside cannot be separated, any point inside can be separated. Similarly, A and C completely miscible, B and C almost completely miscible, A and B partially miscible, any point outside cannot be separated, any point inside can be separated, any point here also cannot be separated. A and C completely miscible, A and B partially miscible, B and C partially miscible, any point outside cannot be separated, any point inside can be separated. A and C completely miscible almost, B and C almost completely miscible, A and B partially miscible, any point outside cannot be separated, any point inside can be separated. Almost completely miscible because AG point, B and C almost completely miscible, A and B completely miscible, cannot be separated, cannot be separated, but on this line it can be separated. ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो.